साथियों, काले धन के खिलाफ एसआईटी बनाने के आदेश को पहले की सरकार 3 साल तक टालती रही थी। हमारी सरकार, हमने आते ही अपनी पहली कैबिनेट में एसआईटी बनाने का निर्णय लिया। ये हमारी नीयत थी। सबको पता था विदेश में काला धन जमा कराने वाले, काले धन से संपत्ति खरीदने, दूसरे देशों से लूट कराकर वहां से काला धन वापस लाने का खेल कैसे चल रहा था। छोटी मोटी कार्रवाई करके, कुछ देशों से कमजोर समझौते करके पहले की सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठ गई थी, और यही उनकी नीयत थी। हमारी सरकार ने विदेश में जमा हो रहे काले धन को रोकने के लिए कड़ा कानून बनाया। ये जो आज विदेश में भी आसानी से संपत्तियां जब्त हो रही हैं, वो इसी कानून की वजह से हैं। मॉरिशस जैसे तमाम देशों के साथ हमने समझौतों को रीनेगोशिएट किया, भारत को मिलने वाली जानकारी का दायरा बढ़ाया। अब तो इस साल से हमें स्विट्जरलैंड से भी रियल टाइम जानकारी मिलना शुरू हो जाएगी। साथियों, काले धन पर कड़ी कार्रवाई के साथ ही हमने इस बात पर भी जोर दिया कि जिस तरह के घोटाले पहले होते थे, उन घोटालों की पुनरावृत्ति न हो पाए। ये पहले की सरकार की देन थी कि देश में 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला, ये हमारे सरकार की देन है कि देश के प्राकृतिक संसाधन का आवंटन अब ऑनलाइन व्यवस्था से हो रहा है। ये पहले की सरकार की देन थी कि देश में 1,76,000 करोड़ रुपए का 2G घोटाला हुआ, ये हमारी सरकार की देन है कि स्पेक्ट्रम की नीलामी की पारदर्शी व्यवस्था विकसित की गई है। ये पहले की सरकार की देन थी कि 90,000 करोड़ रुपए का कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, जिस आयोजन के साथ देश का गौरव जुड़ा था, उसे भी दांव पर लगा दिया गया था। अभी हमारी सरकार की देन है कि सरकारी खरीद के लिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम GEM नाम की आधुनिक व्यवस्था विकसित की गई है। भाई और बहनों, पनडुब्बी घोटाला, बफर्स घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, सेना की खरीद में कैसे कैसे घोटाले होते थे, कैसे कैसे नियम बदले जाते थे, उनके तार किन से जुड़े थे, ये देश भलीभांति जानता है। अब हमारी ये सरकार है जिसको देश की सर्वोच्च अदालत रक्षा सौदे से जुड़े सारे कागज देखने के बाद एप्रिसिएट करती है, सब कुछ ठीक तरीके से हुआ है।